अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सिंपल होम कुकिंग। आज की रेसिपी है क्विक एंड ईजी चिकन मसाला। एक पैन में तेल गरम करेंगे, आंच हम धीमी ही रखेंगे। इसमें हम अब साबुत गरम मसाले डालेंगे एक के बाद एक, साथ ही हम सौंफ भी इसमें डाल देंगे। और इस मसाले को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे खुशबू आने तक। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हम भून लेंगे जब तक कि प्याज नरम ना हो जाए। आंच आप धीमी ही रखें। अब हमारी प्याज नरम हो चुकी है, अब हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें करी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर लेंगे कटा हुआ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटो सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे टमाटोज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सारे मसाले एक साथ ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि सारे मसाले एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, ऑनियन और टमाटर दोनों। अब हम इसमें चिकन पीसेस को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने चिकन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप पानी मिलाएंगे और हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पे आधे घंटे के लिए। नमक और मिर्च आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमारा चिकन मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।